बुरा लगेगा नहीं आपको रविकांत जी, आप चेंज के वाहक बनने आते हैं, आप पत्रकारिता की लंबी लंबी मिसाल दीजिए, आज जब आए तो माल धर के खबर चला दी तो चल अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल आप हम पे आरोप लगाइए, रविकांत जी आप यहाँ बैठे हुए आप बताइए कि क्या मैं पत्रकारिता करता हूँ, क्या मैं पैसे लेकर खबर चलाता हूँ, क्या दर्शक की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। जो गुस्सा मेरे अंदर है, जिस आप तो निचोड़ निचोड़ दे रहे हैं एकदम। 2014 में ये व्यक्ति मोदी से सटकर पैरासाइट की तरह चिपका रहा, जब मोदी से काम निकल गया व्यापारिक, अरे सत्ता में पहुंच गया, ट्रेन का टिकट कटाए, ट्रेन आपके स्टेशन तक पहुंच गई, उसको उस सीट को लेकर घर जाते हैं, छोड़िए आदमी, छोड़ दिया मोदी जी ने, वहां से भागे तो बदला लेने के लिए नीतीश के पास आए कि मोदी से बदला लेंगे। ले तो लिए पंद्रह में बदला ले लिया, आपने बदला ले लिया, फिर आप यहाँ से फिर वापस गए थे मोदी जी से मिलने के लिए अमित शाह से, अमित शाह ने आपको बाहर निकाल दिया, जब आज भी अमित शाह आपको दिखना नहीं पसंद करते हैं, आप सोचे कि इसका बदला हम लेंगे फिर भाजपा से, आप फिर गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस और सपा की खटिया खड़ी कर दी आपने, आप बुरी तरीके से हारे वहां पर। ये तो अब प्रशांत किशोर अकेले चुनाव में जीता देंगे, मगर आपने एक बात कही कि अमित शाह देखना नहीं चाहते हैं, नहीं, नहीं। एक बार नीतीश कुमार बड़े नीतीश भी देखना चाहते हैं, गौर सुन लीजिए बात, मिलने के लिए बुलाए थे ना 3-4 महीने पहले, नीतीश कुमार बुलाए थे कि खुद गए थे मिलने के लिए, देखिए हम तान झाम लेके आ रहे हैं बिहार में, इन्होंने हर नेगोशिएशन टैक्टिक्स अपनाया नीतीश से, नीतीश उनको भाव नहीं दे रहे हैं, सच्चाई यही है, इन्होंने नीतीश को ये तक कहा कि आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, 7 राज्य के मुख्यमंत्री तो मेरे साथ हैं, अच्छा मतलब आप उधर जाइए 7 राज्य के मुख्यमंत्री का आप लेके जाएगा समर्थन इंडिया में, यही ना नीतीश कुमार के पुनः उसी जगह पर पहुंच जाना, नीतीश के वारिस के तौर पर जहां से इनको निकाल कर, देखिए खुद तो शहीद हो गए आरसीपी सिंह, लेकिन एक बढ़िया काम करके गए, जदयू से इस पैरासाइट को निकालकर फेंक दिया, आरसीपी सिंह का सबसे बड़ा उपलब्धि जीवन का यही है कि उन्होंने प्रशांत किशोर के गिरफ्त से जदयू को बाहर कर दिया, अब जदयू अपनी नेचुरल मौत मर जाए, हर पार्टी स्ट्रक्चर, हर ढांचा, हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म मरता है, एक समय आता है उसका, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ रहकर वो पैरासिटिक मौत मरता है। अगर आप इतना गलत कह रहे हैं प्रशांत किशोर को, आज भी चुनावी इवेंट के लिए उनका नाम जिस अदब से लिया जाता है, मैं इतना गलत कह रहा हूं, जी खोजती है उधर साउथ के नेता खोजते हैं, क्यों नहीं खोजेंगे भाई, क्यों नहीं खोजेंगे, कुछ तो बात होगी, इंसान के मरने को लकड़ी खो जाता है ना, बिना लकड़ी जलाते हैं आप में इतना खुन्नस लगता है, घंटा भर इंतजार करा दिया आप एकदम उनका विरोधी हो गए, ऐसा पत्रकारों को होना चाहिए, 1 घंटा इंतजार करा दिया तो आप एकदम बिल्कुल मैं अपमानित महसूस करता हूँ, कैसे इंतजार करेगा आप, हैं कौन आप, बिहार आए हैं उनसे मिलने के लिए ना, जनता से मिलेगा, अरे मुझे छोड़िए ना भाई, मैं आप देखिए मैं यही कह रहा हूँ, डील उल्टा नहीं हो पाए इसलिए गोसाइल है कि कुछ और चीज करना चाहिए, डील क्या करेंगे यार, बिहार में नीतीश कुमार मोदी ललन सिंह डील नहीं कर पाए, जब इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता है, प्रशांत किशोर आप पैरासाइट सबको क्या डर लगेगा, एक बात जान लीजिए समझिए, उसके बाद वो ममता के पास गए, वहां भी पैरासाइट की तरह गए, अंतिम पारी इनकी पैरासाइट वाली वहीं थी, उसके बाद ये बिहार आए और बिहार में ये आकर एक बात इन्होंने और कही, मैं 15 दिनों से परिवार के साथ नहीं गया हूँ, रविकांत जी आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप नालंदा के हैं, आप कितना कितना दिन पर घर जाते हैं, इसका एहसान जताते हैं दर्शकों को भी, जो मिलिट्री में 6 महीना साल भर घर नहीं पहुंचते हैं उनका एहसान जताते हैं क्या, सरकार पैसा दे रही है वो अपने उनका काम ही तक नहीं जाते, पत्रकारों के सामने कम नहीं गया, घर कह रहे कि हम पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार में हर नेता ने पदयात्रा की है, बिल्कुल चुनाव में सभी को करना पड़ता है और ऐसे विरोध करते हैं, हम पत्रकार के 12-15 दिन नहीं घूमते हैं, वो चुनाव में 15 दिन तक मैं रहता हूँ फील्ड में, गाड़ी में उसी गाड़ी में सोना पड़ता है, पटना कपड़ा उपड़ा भी मेरे पास टेंट नहीं है आपकी तरह, तेम्बू एसी लगाया हुआ, हम पटना में पूर्णिया में किशनगंज में धूल फाके हैं, 8-8 बीमारियां होती आपको याद होगा मुझे, मैं चुनाव से बाबा बताया था तो 8 बीमारियां उसमें से एक बीमारी आज भी है, क्यों है, तब पैसे कमाने गए थे, इमोशनल करना चाहते हैं, कई नेता करना चाहते हैं, वो नेता कह सकते हैं कि प्रशांत अपनी बातों को, प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एड है जी, मतलब आपकी राजनीति में एक सहयोग के तौर पर हो सकते हैं, क्या करेंगे सर, 1 लाख SMS भिजवा देते हैं सर, आपके फेसबुक पर लाइक बढ़वा देते हैं सर, 10,000 लोगों तक, इससे चुनाव 2014 में जीता जा सकता था, आज नहीं जीता सकता, सीख गए हैं लोग, लोग सब समझ गए, सब नेता अपने से अपना फेसबुक हैंडल तो क्या समझा जाए, प्रशांत सब नेता लग गए हैं या सब नेता अपना फेसबुक खुद हैंडल कर रहा है, सबके पास एक टीम है, प्रशांत की टीम को काम नहीं मिल रहा, और प्रशांत बिहार में इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार एकमात्र राज्य है जिसमें 2 चुनाव है, 24-25
बाकी किसी भी देश के राज्य में चुनाव है क्या? पर इनकी कंपनी तो काम कर रही है ना, जो करे ना इनकी, ये बिहार में संभव है तलाशेंगे ना जी। कल तक आप जानते थे कि ये ब्राह्मण है, आज ये ब्राह्मण अपने आपको बोल रहे हैं किस आधार पर? और मैं तो उन बेवकूफों को कहता हूं कि कैसे तुम ब्राह्मण मान लेते हो प्रशांत किशोर को? इसी तरह से जीवन भर वोट करना है जाप देखकर? आपके लिए अच्छा उसको नहीं चलिएगा जी कि प्रशांत किशोर जी आ गए आप आपके सामने कि मैं ब्राह्मण हूं, तो आप आज उनको ब्राह्मण बना लीजिएगा अपने लिए, आप उनको बिठा दीजिएगा अपने साथ मंदिरों में। मंदिर वाले ब्राह्मण मंदिर में रहे, बिजनेस करने वाले ब्राह्मण बिजनेस करें, पत्रकारिता करने वाले पत्रकारिता करें। मान लिए एक घंटा आपको इंटरव्यू देते हैं प्रशांत किशोर, तो ये बातें बदल जाएगी। श्रीकांत जी अब इंटरव्यू तो शायद नहीं होता प्रशांत किशोर का, आप मेरे चैनल पर देखिएगा नहीं कभी। रविकांत श्रीकांत बोले क्या? हाँ अच्छा है कि आपको एक घंटा का इंटरव्यू दे तो आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए सब? और आप इसे गुस्सा मत कहिए, ये रेंट है। जब भी मैं किसी नेता के खिलाफ जब हाथ धो के पढ़ता हूँ तो एक आपको गुस्सा लग सकता है, लेकिन मैं वो सिलसिलेवार तरीके से उसकी कमियां निकालने लगता हूँ। ये हो सकता है हाथ धो के पीछे पढ़ता हूँ, ये पत्रकार मतलब कोई बोले कि हाथ धो के पीछे पड़ गए? कभी कभी तो पढ़ना पड़ता है ना, कभी क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आज व्यक्तिगत खुंदस को अच्छी बात है ना, आपको गुस्सा आए और आप अच्छा काम करने लगी, आपको गुस्सा बढ़े आप प्रैक्टिस का अच्छा करने लगी, तो उस गुस्से को चैलेंज करना सीखिए। मैंने अपने गुस्से को चैलेंज किया। मैं इस बात से नहीं इनकार कर रहा हूँ कि मुझे प्रशांत किशोर इंटरव्यू दे तो मुझे गुस्सा ना नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आएगा, आपको भी आएगा। रविकांत जी आप जाइए ना वहां और आप बैठिएगा इधर घंटे, आपको बुरा लगेगा। उनके कार्यकर्ता 20 बार उनको फोन कर रहे थे कि पंचनामा वाले नमन जी आए हैं, आपने उन लोगों ने बुलाया था, सब मिल लीजिए, जा रहे हैं बहुत दुखी होके यहाँ से, इंटरव्यू क्यों नहीं दिया ये भी जान लीजिए, कहानी सब बता ही देते हैं आपको। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो मैं बैठा हुआ था इंतजार में कि वो मुझे देंगे इंटरव्यू, बात भी हुई थी। जब मुझे लगा कि अब वो इंटरव्यू नहीं देंगे, उनके सैनी से समझ में आ गया, तो मैंने कहा कि सर सवाल पूछ ही लेते हैं कम से कम आए तो, चलो नहीं सवाल ले, अपमानित होकर भी बर्दाश्त कर सकते हैं पत्रकार, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों का ही अपमान था जो दर्शक लगातार मुझे फोन करके बोल रहे थे कि नमन जी एक बार आप उनका इंटरव्यू लीजिए, एक बार प्रशांत जी का चीफ भाग हो जाए तो नहीं अच्छे से सभी का हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार का, मैं धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, बिहार भाजपा के सभी नेताओं का, मोदी जी का, अमित शाह का, चिराग पासवान का, पशुपति पारस का, मुकेश सहनी का, जिनके खिलाफ मैंने कौन सा जहर नहीं उगला है। पत्रकारिता के दायरे में रहते हुए मैं जो बोल सकता मैंने सब कहा है, बहुत बेइज्जत किया है। पत्रकार का यही काम है कि बेइज्जत करें? अरे सुन समझ तो लीजिए, मैंने बहुत बेइज्जत किया, मेरा काम यह है, मुझे यही पत्रकारिता, मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया है रविकांत जी आपकी तरह, मैं एक इंजीनियर हूं जो गुस्से में पत्रकार बन गया, तो गुस्सा ही ना दिखाएंगे। और मैं जब इन सभी नेताओं को धन्यवाद दे रहा हूं, उसका कारण है इन सब में से किसी ने भी मेरे साथ बदले की भावना के साथ कोई भी काम नहीं किया है, बर्दाश्त किया उन्होंने, कहा नहीं भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये रास्ता दिखा रहे हैं। मैं आज भी प्रशांत किशोर को रास्ता ही दिखा रहा हूं, आए बिहार ना, अब बदलाव के वाहक बनिए ना, बदलाव खुद से शुरू कीजिए ना। जो बाहर खड़े हैं लोग आपके टेंट के निहार रहे हैं टेंट को, उनको बुला लीजिए। जो बाहर एक व्यक्ति आपके जेल ग्राउंड के दरवाजे पर गिरा हुआ है बेतहाशा बेहोश होकर 3 दिन से उनके टेंट के बाहर, टेंट के बाहर आप एक बार भी देखने नहीं गए? ड्राइवर बोल रहा है उनका कि देखिए ना सर, मेरा ड्राइवर देखिए किसे समझता है, मेरा ड्राइवर गाड़ी के बोल रहा है भैया देखिए ना गाड़ी के सामने कोई गिरा हुआ है, हम लोग उठा के साइड करते हैं बात करते हैं, और इतने दिन में उनका ड्राइवर कहता है कि लोग जो जा रहे सर आ रहे हैं, लेकिन नहीं देखते हैं उनको, ऑन रिकॉर्ड है ये, बुरा लगेगा नहीं आपको रविकांत जी? आप चेंज के वाहक बनने आते हैं, आप पत्रकारिता की लंबी लंबी मिसाल दीजिए, आज जब आए तो माल धर के खबर चला दीजिए तो चल अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल, आप हम पे आरोप लगाइए रविकांत जी, आप यहाँ बैठे हुए, आप बताइए कि क्या मैं पीठ पत्रकारिता करता हूँ, क्या मैं पैसे लेकर खबर चलाता हूँ, क्या दर्शक की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। जो गुस्सा मेरे अंदर है और जिस आप तो निचोड़ दे रहे हैं, इस तरीके से मैंने बिहार समेत देश के सभी नेताओं को इतनी विभत्स बातें बोली है दायरे में रहते हुए पत्रकारिता के, क्या लगता है कि किसी से मेरा पटता होगा? अच्छा, तो ये प्रशांत किशोर का ये दिखावा, ये सोशल साइट पर वो जिस प्रकार से छा रहे हैं, इस बात को जिस प्रकार से उनको लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक बड़ी युवा की आबादी उनके तरफ एक आशा भरी नजरों से देख रही है, तो क्या उनको एक धोखा मिल चुका है या धोखा लगने वाला है ऐसा कुछ? उनकी बातों को सुनिए, मैं ही कहूँगा, समझने की कोशिश कीजिए,
बहुत हल्की बातें कर रहे हैं, अनुभव नहीं है राजनीति का जी। हम 10 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझमें भी अनुभव नहीं था। मैंने भी प्रशांत किशोर का धंधा किया है बीच में 2 साल, और मुझे लगा कि नहीं उस धंधे से मैं नहीं समझ पाऊंगा बिहार को और बदलाव नहीं आएगा। मुझे पत्रकारिता के माध्यम से ही बिहार बदलना होगा। मैं अपना ध्येय पूरा करता हूँ रविकांत जी, मैं देश की जनता को, बिहार की जनता को राजनीति के प्रति उनकी रुचि बढ़ाता हूँ, और वक्त से पहले खबर देकर ये बताता हूँ कि देखिए इस नेता का चाल चल के पहले पकड़िए, ताकि आगे चल के वो आपको धोखा ना दे सके। 5 साल तो फंस जाता है बेकार में, बहुत पहले पकड़ लीजिए उसकी गलती। और जब प्रशांत किशोर के बारे में दर्शकों ने पूछा तो मैंने बहुत ईमानदारी से कंक्लूड ये किया। प्रशांत आपने रिसर्च भी किया प्रशांत किशोर को लेकर? रिसर्च किया है, बिना रिसर्च के हम जरूर नहीं करते हैं, इसीलिए इतना वो इंटरव्यू अगर हो जाता। 6 मुख्यमंत्री कौन कौन राज्य के होंगे ये बताइए। देखिए उंगली पे गिनने वाली बात है, 6 क्या ज्यादा राज्यों के होंगे, ये उंगली पे गिनने वाली बात है। सभी महत्वाकांक्षाओं के तहत इंडिया में आए हैं, और ये इनकी इनकी बातें सुनिए कितनी हल्की बातें कहते हैं। ये कहते हैं मोदी आएंगे नहीं, ये कहते हैं 4-5 बयान के सुनिए। ये तो कह रहे हैं कि भाजपा 20-30 सालों तक अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी आएंगे नहीं, तरीका इनके पास है, इनके तरीके से, इनके वाले प्लान से जी इंडिया बनेगा, सारे देश के विपक्ष जुट जाएंगे, उससे नहीं होगा, इनके प्लान से होगा। इनका प्लान क्या है? चांद पर से कोई प्लान लेके आएंगे क्या? दूसरी बात, अगर ऐसा ही है तो जाए, बिना पैसे का प्लान दे, वो बिना पैसे का प्लान दे देश बताने के लिए, मोदी को रोकने के लिए जाए। ये नहीं करेंगे, ये दूसरे बड़े कर रहे हैं, मेरा दवाइया खाते ना तो आज लगड़ा के नहीं चलना पड़ता, मतलब अपना दवाई बेचना चाहे, अभी भी वही काम करना चाहे। पार्टी नहीं बना के बिहार में घूम रहे तो क्या करेंगे? ये बताएंगे, अभी तो पत्रकार है, बिना पार्टी के बेचने आए क्या, क्या कर रहे हैं? आज पार्टी बना ले, आज पार्टी बना ले, मैं चैलेंज करता हूं कि पार्टी नहीं बनाएगा पैरासाइट, इसलिए नहीं बनाएगा कि इसको सामान बेचना है, ये भी पुराने धंधे में अपने जाएंगे, वही धंधे करते हैं, ये लोगों से मिल रहे हैं, काम नहीं समझ पा रहे हैं क्या? राजनीतिक भविष्य कितना देखते हैं, INDIA में या NDA में? इन्होंने एक और बात कही थी कि नीतीश कुमार को 4 सीट नहीं आएगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 5 सीट पे बोले हैं, 5 सीट नहीं आएगा अभी बिहार में। मैंने सवाल यही पूछा था, जिसके चलते उनको पूरा खलबली मच गया, कुछ डांटे उठे नहीं, डांटेंगे क्या हम? जहां नहीं डांटे, सुनिए जो 1.5 घंटा इन्होंने बोला ना, यही बात है कि दूरदर्शन भी करे, डांटे नहीं, इतना हल्का नहीं हूं मैं कि मुझे डांट देंगे प्रशांत किशोर। सही बात, बीच में इंटरप्ट करने के लिए तो हम डांट दिए उनको कि सवाल तो पहले सुन लीजिए, सुनिए उस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने उनसे सवाल पूछा, सारा तिगड़म हो गया, पेट पत्रकारिता सब हो गया वहाँ, कि आप सर इतना मेहनत कर रहे हैं सर, परिवार छोड़ के सर, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ये सवाल का स्तर था। मैंने सवाल जब पूछा तो पहले मैंने कह दिया कि आखिरी सवाल होगा, मुझे लगता है इसका कुछ भाग जाइएगा, और यही हुआ। उस सवाल के बाद वो भागे। मैंने पूछा कि 2015 में जब 3 दल थे महागठबंधन में बिहार में, कांग्रेस, लालू और नीतीश, तो आपने कहा कि बहुत मजबूत है और आप जीत के भी आए। अब तो 7 दल, अब 7-6 दल है, 6 दल है, और आप कह रहे कमजोर है, 5 सीट नहीं आएगा। कौन सा नशा कर रहे हैं बिहार में, बंदी में कौन सा सामान बेचना चाह रहे हैं? यही ना कहना चाह रहे हैं कि तब आप थे साथ में, अब नहीं, इसलिए हार जाएगा, इसलिए हार जाएगा, अपनी ताकत का एहसास कर बेच के कमाना चाहते हो ना, होने नहीं देंगे अपने रहते हुए, अब तुम्हारी औकात नहीं कि तुम गोली चलवा दो नमन मिश्रा पर। अरे गोली, चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी, कई बातें समझा रहे थे प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, और प्रशांत किशोर से जो बातें और उनके आगे क्या करने वाले हैं उसको लेकर भी, और कई राज्यों से जो उनका संबंध रहा है, और पुराने धंधे में वापस जाने की दावा कर रहे हैं। धंधा उसी धंधा में है अभी भी, वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पर वो तो कहे कि हम बिहार के लिए जिएंगे मरेंगे। एमएलसी चुनाव में सचिन रहा है बेचारे, बुरा लिए तब जाकर रिजल्ट पेपर में आया, और रिजल्ट पेपर में आया तो प्रशांत किशोर के हम जीतवाए हैं, एक एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर जीतवा दिए, बोल रहे हैं जन स्वराज का एक उम्मीदवार जीते और आगे जीतवाएंगे, ये उनका दावा। तो पार्टी है कि उसका उम्मीदवार जीता होगा? नहीं, पार्टी नहीं है, उसके माध्यम से सपोर्ट करके जन स्वराज, मैंने जो एक व्यापारिक दल है वही ना, राजनीतिक दल है तो व्यापारी दल है, कहा जाएंगे? देखिए आप अच्छे समझ रहे हैं रविकांत जी, आप इतने समझदार जरूर है कि आपको समझ में आ रहा होगा जब हम पकड़ लिए हैं तो अब इनको इसमें से निकलना मुश्किल होगा। चलिए, व्यापारिक दल होने का दावा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी, और भी तमाम बातें जो ये 20 मिनट का एपिसोड में तमाम बातें प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई बातों पर हम चर्चा कर रहे थे, उन तमाम बातों पर लगातार हम आते रहेंगे। बाकी अभी के लिए धन्यवाद कहेंगे कि नमन मिश्रा जी ने इन तमाम बातों का जवाब दिए, और बने रहिए बिहार की राजनीतिक खबरों में, लगातार हम लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।